Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you're looking very nice and fresh as always. I am fine. Alhamdulillah. जी जनाब, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? रिवीजन कर रहे हैं आजकल हम लोग. किस चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं? साइंस का. जी, क्लास टू में हम साइंस का रिवीजन कर रहे हैं. और हमारा कौन सा चैप्टर है जो हम रिवाइज कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 5. यस, चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन चल रहा है. चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है भाई? व्हाट्स द नेम ऑफ अवर चैप्टर? क्या नाम है बताइए, मैं भूल गई भाई. फोटोन्स इन द जार. जी बिल्कुल याद आ गया, मुझे भी याद आ गया भाई कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है. हम कर रहे हैं रिवीजन. जब भी तो हम रिवीजन करते हैं ताकि हमें सारे अपने प्रीवियस चैप्टर्स अच्छे से याद हो जाएं. हाँ, ये होना हो कि हम भूल जाएं, है ना, इसीलिए हम करते हैं रिवीजन. न्यू चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं और प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन करते जाते हैं, जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 फोटोन्स इन द जार का रिवीजन. हमने इसकी रीडिंग प्रैक्टिस कर ली है, पढ़ लिया है, समझ में हमें आ गया है कि भाई ये चैप्टर क्या था, इसमें क्या टॉपिक डिस्कस हुआ था. आज हम क्या करेंगे, इसमें मौजूद थी हमारी एक्सरसाइजेज. अब इन एक्सरसाइजेज का भी तो रिवीजन करना है ताकि हमें एक्सरसाइजेज भी अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से हम इसको रिवाइज कर लें. इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी किताब खोलेंगे. लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 41. और यहाँ मौजूद है हमारे पास अंडरस्टैंड की एक्टिविटी. अंडरस्टैंड की एक्टिविटी, जी जी, मुझे पता है आप लोगों ने काम कंप्लीट किया हुआ है, काम बिल्कुल कंप्लीट है आप लोगों का, लेकिन हम कर रहे हैं रिवीजन. तो रिवीजन में तो हम ये पूरा एक्सरसाइज को हम रिवाइज करेंगे अच्छे से. इसमें ये देखेंगे कि भाई आपको कितने आंसर्स का पता है, आपको कितने क्वेश्चंस का पता है, कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस आपको याद है या नहीं आई है. जी, मेकिंग क्वेश्चन की एक्टिविटी आपको कितनी आती है, कितनी भूल गए हैं, कितना आपको रिवाइज करना है, ये काम करना है हमने. जी, तो देखते हैं भाई कि आज हम क्या काम कर रहे हैं और हमें कितना याद है. तो हमारे पास एक्टिविटी मौजूद है अंडरस्टैंड की, और अंडरस्टैंड की एक्टिविटी में आज कर रहे हैं हम आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि हमने मेक क्वेश्चन फॉर दीज स्टेटमेंट्स स्टार्ट विद गिवन वर्ड्स. हमने करनी है मेकिंग क्वेश्चन की एक्टिविटी. हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, आंसर्स मौजूद हैं, हमने बनाने हैं इसके क्वेश्चंस. जी, और क्वेश्चंस के लिए हमें पता है कि हमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने होते हैं. हमें वेयर है, व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे क्वेश्चन मेकिंग में यूज़ होते हैं, है ना. हम इसकी मदद से अपने क्वेश्चंस बना लेते हैं. हमारे पास ये हमें दी जाती है कि हमारे स्टेटमेंट्स में, हमारे आंसर्स में आगे ब्रैकेट में मौजूद होते हैं ये वर्ड, कि हमें कौन से वर्ड को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस बनाने हैं, ना. तो बस आपने दिमाग लड़ाना है और अपने क्वेश्चंस बनाने हैं. स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी करते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, सना वॉन्टेड टू कीप द फोटॉन्स इन द जार. सना wanted to keep the photons in the jar. Question making की activity में हमने word कौन सा use करना है? Where. Question हमारा बनेगा, Where did Sana want to keep the photons? Where did Sana want to keep the photons? जी, हमने इसके आखिर में क्या करना है, जब हम क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, तो क्वेश्चन के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप या फिर? जी, हमने क्वेश्चन मार्क बनाने होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और हमारा क्वेश्चन बन गया, वेयर डिड सना वॉन्ट टू कीप द फोटॉन्स. सना वॉन्टेड टू कीप द फोटॉन्स इन द जार. जी, सना जो है वो जार में फोटॉन्स को रखना चाह रही थी. आंसर नंबर 2 है हमारा, The solar panel changes the photons into electricity. The solar panel changes the photons into electricity. जी, हमने इसका क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास वर्ड मौजूद है how. हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, सोचें, जल्दी से बताएं हमने इसका क्वेश्चन क्या बनाया था. रिवीजन कर रहे हैं ना. जी, रिवाइज किया था आप लोगों ने, उससे रिवाइज नहीं किया ना, रिवीजन नहीं किया. यही तो मसला होता है, रिवीजन नहीं करते तो हम भूल जाते हैं, रिवीजन करना चाहिए. जी, हमने इसका क्वेश्चन क्या बनाया था, हमने इसका क्वेश्चन बनाया था, हाउ डज द सोलर पैनल चेंज द फोटॉन्स.
हाउ डज द सोलर पैनल चेंज द फोटॉन्स? और इसका आंसर है द सोलर पैनल चेंजेस द फोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी. फोटॉन्स किस में चेंज हो जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में. बिल्कुल ठीक. आंसर नंबर 3 है हमारे पास, सोलर पैनल कैचेस फोटॉन्स. सोलर पैनल कैचेस फोटॉन्स. व्हाट कौन सा यूज करेंगे हम? व्हाट. अब बनाइए व्हाट को यूज करते हुए क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने. व्हाट डज सोलर पैनल कैच? व्हाट डज सोलर पैनल कैच? सोलर पैनल कैच क्या करता है? क्या करता है भाई? सोलर पैनल कैचेस फोटॉन्स. अब क्वेश्चन में हमारा आ गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क. व्हाट डज सोलर पैनल कैच? क्वेश्चन मार्क. आंसर आया सोलर पैनल कैचेस फोटॉन्स. वेरी गुड. लास्ट आंसर है हमारा, अहमद went downstairs to get a light bulb with a holder. Ahmed went downstairs to get a light bulb into with a holder. Question making की activity में question बनाना है. Word हम कौन सा use करेंगे? Why? 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 Why did Ahmed go downstairs? Downstairs यानी कि नीचे क्यों गया था Ahmed? जी वो लाइट बल्ब का होल्डर, विद होल्डर लेने गया था, बल्ब को लेने गया था. जी लाइट बल्ब जो है उसे लेने गया था ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर सके. व्हाई डिड अहमद गो डाउनस्टेयर्स? अहमद वेंट डाउनस्टेयर्स टू गेट अ लाइट बल्ब विद अ होल्डर. जी लाइट बल्ब विद अ होल्डर लेने गया था. हमारे पास क्वेश्चन मौजूद हो गया. हमारे पास क्वेश्चन की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है. एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करते हैं. Where did Sana want to keep the photons? Sana wanted to keep the photons in the jar. How does the solar panel change the photons? The solar panel changes the photons into electricity. What does solar panel catch? Solar panel catches photons. Why did Ahmed go downstairs? Ahmed went downstairs to get a light bulb with a holder. जी जनाब, आप अपने क्या करना है? जी वीडियो को बार बार देखना है, रिपीटेडली देखना है, मेकिंग क्वेश्चन की एक्टिविटी को रिवाइज करना है, खुद से रिवाइज करना है, लिखना है, क्वेश्चंस बनाने हैं और स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करना है, फिर रीचेक कराना है अपने किसी भी बड़े बहन भाई को, मम्मा पापा को, और रीचेक कराने के बाद, याद करने के बाद अपनी टीचर को वॉइस नोट भी भेजिएगा और अपने काम की पिक्चर जो आपने खुद से प्रैक्टिस की है दोबारा से मेकिंग क्वेश्चन की, उसकी पिक्चर अपनी टीचर को सेंड भी कीजिएगा. कल हम मिलेंगे नए काम के साथ. अल्लाह हाफिज़. We'll be right back.